हेलो एवरीवन माय नेम इज गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सो भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आस्क फॉर यू 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 कैन 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 आस्क 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 फॉर 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 बोर्ड बोर्ड स्टेट ओलंपियाड्स कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट यस यू हर्ड दैट ट्राई टू फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से दो तो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा हूं कंप्लीट कोर्ससेड आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस तो आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं तो आज इस वीडियो में ले आया हूं मैं आप लोग के लिए दूसरा ड्रॉइंग फंक्शन दूसरा ड्रॉइंग शेप विच इज एलिप्स तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ एलिप्स अब इससे पहले आप काफी सारे फंक्शन ड्रॉ करना सीख चुके हैं आप सर्कल ड्रॉ करना सीख चुके हैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीख चुके हैं आप एरो एरोड लाइन लाइन ये सब ड्रॉ करना सीख चुके हैं अगर आपको अभी तक भी उसमें दिक्कत है अभी तक भी आप वो बनाना नहीं सीखे हैं तो भाई मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आपको एक लिंक मिलेगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट तो की ऑफ क्लास टेंथ ए तो क्लास टेंथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्ले की लिंक आपको मिल जाएगी क्लिक ऑन दैट ओपन दैट उसमें सारे चैप्टर्स अवेलेबल है सर्च फॉर कंप्यूटर विजन चैप्टर ठीक है कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च करिए ओपन सीवी वाली कैटेगरी ओपन करिए एंड उसमें सारी चीजें लाइन से लाएं है ड्राइंग एलिप्स वाला पार्ट अभी आप सर्च कर लो ठीक है एंड इसके प्रीवियस वाली वीडियोस एक बार ओपन सीवी की सारी देखो यार रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी रिसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं होगी कभी रोटेट करेंगे तो रोटेट में प्रॉब्लम नहीं होगी तो एक बार जाके देखो है ना चलो एंड फटाफट एलिप्स स्टार्ट करते हैं भाई एलिप्स क्या है ठीक है, अब अब देखो ellipse के के लिए लिए मैं आपको समझाने पहले तो 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 देखते हैं कि इस की कहानी क्या है यार देखो इस circle की कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पे कुछ सेंटर होता है आपका ये सेंटर हो गया और सेंटर से ये डिस्टेंस इज रेडियस दिस इज सेंटर सिग्निफाई करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं स समझ में आया अब ये जो रेडियस है ये यूनिफॉर्म रहने वाला है दिस वु एज वेल बी रेडियस आर ये भी आर ही रहेगा ये भी आर ही रहेगा ये भी आर ही रहेगा ऑल वुड भी आर ओली ये सब आर रहने वाले हैं ठीक है चीजें सही चल रही है ठीक है बट अब हम जंप कर रहे हैं आफ्टर दिस हम ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस आर को चेंज करके बनाना चाह रहे हैं क्या हम बनाना चाह रहे हैं भाई एलिप्स अब एलिप्स क्या है भाई एलिप्स इज दिस शेप ठीक है एलिप्स एलिप्स इज इज दिस दिस शेप भाई आपका ठीक है अब ये जो एलिप्टिकल शेप है अच्छा एलिप्टिकल शेप कहां देख सकते हो आप रियल वर्ल्ड में एलिप्टिकल शेप्स हैं काफी ज्यादा देखो अलग अलग शेप होती है सर्कल इज डिफरेंट ओवल इज डिफरेंट एलिप्स इज डिफरेंट ओवल जो होता है वो एग शेप होती है ठीक है एलिप्स जो होता है बेसिकली आउटर स्पेस में जो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है दैट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट तो इलेप्टल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे है। तो मतलब वही एलिप्स की बात कर रहे हैं ठीक है चलो अब इस एलिप्स का होता क्या कहानी है वो समझिए विच इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो सिंटेक्स वुड बी सीवी टू डॉट सीवी टू डॉट एलिप्स एलिप्स सीवी टू डॉट एलिप्स सबसे पहले जो यहां पे जाता है दैट इज आई एम जी तो जो इमेज आपको पास करनी है वो आई जाएगी ठीक है सबसे पहले जाए जाएगा क्या यह नंपा हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज हो सकती है तो जिस पे आपको बनानी है एलिप्स वो डालोगे आप इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है यार सेंटर ठीक है अब सेंटर क्या होता है यार तो जैसे कि सर्कल के सेंटर होता है वैसे एलिप्स का भी सेंटर होता है अब एलिप्स का सेंटर क्या है भाई तो एलिप्स का सेंटर है कुछ आपका ये पॉइंट ठीक है अब ये पॉइंट क्या है ये जो एलिप्स का सेंटर है दिस पॉइंट ओके मैं थोड़ा सा हो सकता है बीच में ना बना रहा हूं दिस पॉइंट एलिप्स ये यहां से इसका जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है दैट वुड बी सेम सपोज उसको एक्सेक्स मान लो दिस वुड बी सेम एक्सेक्स एंड ऊपर से डिस्टेंस अगर ये वाई है तो नीचे भी डिस्टेंस ये वाई ही रहेगा आप ये मान लो तो सेंटर इज दैट पॉइंट जहां से वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रहे पीक पॉइंट्स की ये कुछ ये तो चेंज हो रहा है ना वैरी हो रहा है पीक पॉइंट्स के बेसिकली तो आप क्या करो आ, आप एक तरीके से इसके बिगेस्ट लेंथ निकालो है ना हॉरिजॉन्टली एंड बिगेस्ट लेंथ वर्टिकली निकालो उसका हाफ ऑफ करो दैट यू विल फाइंड द सेंटर पॉइंट तो ये सेंटर पॉइंट समझ में आया तो यहां पे आपको यही सेंटर पॉइंट पास करना है और ये सेंटर पॉइंट किस तरीके से पास करोगे यू विल पास इट एज व्हाट यू विल पास इट एज अ टपल है ना एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स में टपल की तरीके से पास करोगे सेंटर ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई एक्सेस अब एक्सेस क्या होती है भाई

तो आपको कितना डिग्रीज में रोटेशन चाहिए जैसे सपोज ये है तो इसके बाद कितना रोटेशन चाहिए दैट यू कैन स्पेसिफाई सो ये आप डिग्रीज में स्पेसिफाई करते हो स्केलर वैल्यू ठीक है इसके बाद दो चीजें और आती है विच इज स्टार्ट एंगल एंड स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल ठीक है स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल ओके अब स्टार्ट एंगल एंड एंगल क्या होता देखो आप इस एलिप्स एलिप्स फंक्शन से सिर्फ सॉलिड एलिप्स ही नहीं आप सिर्फ आर्क भी बना सकते जैसे सपोज ये क्या है फुल एलिप्स है मुझे फुल एलिप्स नहीं चाहिए मुझे सिर्फ चाहिए एक आर्क सिर्फ इतना एलिप्स चाहिए आर्क चाहिए या मुझे सिर्फ इतना एलिप्स चाहिए या मुझे सिर्फ इतना एलिप्स चाहिए, चाहिए अगर आपको आर्क चाहिए तो आप ये आर्क भी बना सकते हो देखो कैसे समझिए तो क्या है ये एलिप्स बना रहे हो आप ये इसकी एक्सेस है आप ये कह सकते हो कि यार आपको कहां से सेलेबस बनाना शुरू करना है कहां पे खत्म करना है जैसे सपोज ये सेंटर है तो सेंटर के अबाउट आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे यहां सेलेबस बनाना शुरू करना है मुझे इतना पार्ट चाहिए ही नहीं मुझे ये पार्ट तो चाहिए ही नहीं मुझे सिर्फ यहां से शुरू करना है और यहां खत्म करना है तो आप इसका स्टार्ट और एंडिंग एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो ये स्टार्ट एंगल थीटा हो गया एंड ये एंड एंगल फाइव हो गया आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो तो आपकी जो लेंथ है वो कैसी बन जाएगी यार वो कुछ आपकी ये बन जाएगी जो लिप्स बनेगा आर्क वो ये बन जाएगा सिर्फ इतना पार्ट विजिबल होगा ये पार्ट आपका जो आपने हाइड करना है वो विजिबल ही नहीं होगा तो अगेन ये स्टार्ट एंगल और एंड एंगल भी आप एंगल्स में स्पेसिफाई कर सकते हो इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कलर नेक्स्ट फिर आ जाता है कलर इसका ठीक है अब कलर इज व्हाट बेसिकली सो कलर इज लाइक दिस कलर आप स्पेसिफाई कर सकते हो व्हाटएवर यू वांट बीजीआर फॉर्मेट में ठीक है ये 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 भी value, ये भी स्केलर स्केलर वैल्यू वैल्यू एंड टपल बीजीआर बी जी आर बीजीआर और यही आपके क्या है यही आपके कलर्स जो हैं से यहां तक के कलर्स तक के कंपलसरी आर्गुमेंट है इसके बाद थिकनेस एग्जिस्ट करता है थिकनेस के बाद आपका लाइन टाइप एक्जिस्ट करता है शिफ्ट एग्जिस्ट करता है शिफ्ट हम देखेंगे भी नहीं अभी तक नहीं देखा है ठीक है तो ये सब क्या है ये सब ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं इफ यू वांट यू कैन स्पेसिफाई दैट जैसे कि थिकनेस में अगेन कहानी वही पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो उतनी थिक होती चली जाएगी डेसिमल थिको अलाउड नहीं है और नेगेटिव वैल्यूज अगर आप डालोगे थिकनेस में तो उसको कंप्लीटली फिल कर देगा जैसे कि आप यहां देख रहे हो जैसे यहां देख रहे हो कंप्लीटली फिल्ड है, है ना एलिप्स अंदर से रेड कलर पूरा फिल्ड है तो आप नेगेटिव वैल्यूज डाल के एलिप्स बना सकते हो कंप्लीटली फिल्ड एंड वन मोर थिंग एक चीज और बतानी है जैसे कि सपोज आप यहां पे एलिप्स बना रहे हो जैसे सपोज आप यहां एलिप्स बना रहे हो है ना पूरा एलिप्स बना रहे हो है ना और पूरे एलिप्स में आपने वन किया, तो ये पूरा कलर हो जाएगा है बट अगर तो बट सिर्फ इतना देन क्या पार्ट पेंट होगा तो सेंटर के अबाउट ये डिस्टेंसेज ज्वाइन की जाएंगे और सिर्फ इतना पार्ट कलर किया जाएगा सिर्फ दिस वुड बी कलर्ड इतने पार्ट को अनकलर्ड छोड़ दिया जाएगा तो सेक्टर कलर होता है केस ऑफ

एलिप्स में ऐसा नहीं रहता वो डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं रहता दैट चेंज ठीक है एंड या दैट चेंजेस एक्चुअली ठीक है सो दैट चेंजेस एंड इसके साथ साथ एक चीज और बताता हूं कि यार जो एलिप्स का शेप अगर आपको इमेजिन करना है कि एलिप्स का शेप कहां एग्जिस्ट करता है सो so जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जो सन है सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है या देयर आर मेनी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन सो दे आर रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एलिप्स शेप में रिवॉल्व करते हैं मतलब एलिप्स शेप में है वो ऑर्बिट elliptical ऑर्बिट आप वहां समझ सकते हो राइट right? चलो फिलहाल हम यहां पे वापस आ जाते हैं और यहां पे हम शुरू करेंगे क्या आपका एलिप्स बनाना तो यहां मैं क्या करता हूं सबसे पहले एक नया फोल्डर बना लेता हूं एंड इसको नाम दे देंगे ओपन सीवी डैश करके एंड इसको नाम हम दे देंगे क्या यार ड्राइंग फंक्शंस एलिप्स है ना सो ड्राइंग सॉरी फॉर दैट ओके ड्राइंग फंक्शंस ड्राइंग फंक्शंस एलिप्स है ना ड्राइंग फंक्शन एलिप्स बनाने वाले अब एलिप्स की थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट है कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट इन सेंस जो पैरामीटर्स लेता है ना थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेता है क्या लेता है अभी हम समझ लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी चलो तो फिलहाल हम क्या करते हैं अच्छा एक्चुअली क्या है यहाँ पे एलिप्स में आपको फीचर्स भी एडिशनल मिलते हैं आप एलिप्स को रोटेट कर सकते हो रोटेशन के साथ साथ आप आधा और मतलब आप आर के भी बना सकते हो सिर्फ एक एलिप्स का जो सर्कल में नहीं था ऑप्शन इसलिए सर्कल इजी था बट एलिप्स थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा बट नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि मैं आपको सारे पैरामीटर समझा दूंगा फिर कोई इशू बचेगा ही नहीं राइट right? चलो इसको सिखाने के लिए एलिप्स को सिखाने के के लिए लिए मैं आप लोग अगेन दो बहुत इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर्स ले आया हूं एंड दैट इज ऑफ डीसी क्योंकि अब हम मार्वल का पीछा छोड़ चुके हैं और हम डीसी के ऊपर चले गए हैं तो डीसी के कैरेक्टर्स में फेमस उठा लाया हूं आप लोग के लिए दो विच इज फ्लैश है ना सो फ्लैश की दो इमेजेस उठाई है मैंने ठीक है एंड वन ऑफ वन ठीक है वंडर वुमेन ये वेब रिप इमेज है ठीक है इसीलिए ये ब्राउजर में खुल रही है बट वेब रिप इमेज हम आपके उसमें भी खोल सकते हैं इज इज आपके दिस वन दैट ओपन ओपन सीवी की मदद से भी हम open कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज योर वेब रिप इमेज कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे ठीक है चलिए तो वंडर वुमेन एंड फ्लैश पे हम बनाएंगे एलिप्स एंड लेटर स्टार्ट विद दैट तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूं क्लोज और इस इमेजेस वाले फोल्डर को मैं लेके जाके ओपन सीवी में अंदर पेस्ट कर देता हूँ अब इसके अंदर हम करेंगे क्या यार इसके इसके अंदर अंदर मैं मैं एक नया फोल्ड मतलब कोड ओपन कर लूंगा गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा एंड यहाँ पे हम बना देंगे और प्य आई अच्छा एक चीज बताता हूं यार लास्ट लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम आ रही थी ना सर्कल जब हम सीख रहे थे कि बार बार जो इंटरप्रेटर है वो फर्स्ट टाइम में तो एग्जीक्यूट कर दे रहा था हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में फिर इशू कर रहा था मैंने क्या किया अपना पीसी को शटडाउन किया रीस्टार्ट किया एंड वो ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो गई प्रॉब्लम वो अब ऑटोमेटिकली चल रही थी होप सो so कि अभी भी वो परफेक्टली चले अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो आई टेक अ पॉज अपल शट डाउन माई पी सी आई री स्टार्ट अगर वो परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं देन ओके ऑल राइट अगर इशू आता है देन आई नीड टू सी केयर क्या प्रॉब्लम आ रही है सी ठीक है बट आई होप कि यार अब सही चलना चाहिए ठीक है so, सो एक हमारा है ये जुगाड़ तो है कि अगर सपोज इंडियंस का जुगाड़ ये तो है कि कोई भी चीज चलनी बंद हो जाती है तो उसको उसको ठोक ठोक के के देख देख लो 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 ऊपर से से अगल बगल से के देख लो मशीन्स को या फिर उसको कर मोस्ट प्रोबेबली हमारी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं राइट ठीक है right? तो ऐसे ही कुछ यहां पर भी हो गया है चलो फॉर नाउ हम क्या करते हैं यहाँ पे फटाफट इंपोर्ट कर लेते हैं सीवी टू ठीक है सीवी टू को इंपोर्ट कर लिया मैंने कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी ओपन सीवी को इंपोर्ट कर चुका हूं मैं और यहां पे हम फटाफट इमेज रीड कर लेंगे अब सबसे पहले कौन सी इमेज रीड कर यार सबसे पहले मैं इमेज रीड कर लेता हूँ आपकी फ्लैश ठीक है और फ्लैश में भी कौन सी इमेज रीड करें यार कौन सी अच्छी लगेगी ठीक है सो रीड दिस फ्लैश फ्लैश मतलब फर्स्ट इमेज ठीक है एंड इसमें द के ऊपर ये हाँ, इस तरीके से हम एक एलिप्स बनाने की कोशिश करते हैं लेट्स वन ओपन कर लेता कर so में में स्टोर करा दूंगा कमांड विच इज डॉट आई एम रीड ठीक है तो मैं इमेज को रीड कर लेता हूं एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई हम फ्लैश वन को रीड कर लेंगे तो राइट right क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ करके मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट तो मैंने पाथ पेस्ट कर दिया और अगर आप देख पा रहे हो बैक स्लैश एफ क्या होता है स्किप सीक्वेंस होता है तो हमको इसको हटाना पड़ेगा सो वट एल डू आई पास द रॉ स्विंग जिससे कि ये रॉ फॉर्म में हमारा रीड हो अब इमेज जो है रीड हो गई है आई एम रीड की मदद से अब एक बार जरा इसको डिस्प्ले भी करा लेते हैं देख लेते हैं कि इसके डायमेंशन सही है नहीं। so, कि नहीं सो अस डू कि सी वी टू डॉट आई एम शो रन कर देता हूं मैं यहाँ पे सी वी टू डॉट आई एम शो अंदर वुड बी माय द फ्लैश है ना द फ्लैश ओके एंड वट आई डू इज आई पास आई एम जी आई एम जी पास कर दूंगा मैं बस की के लिए wait करा दूंगा and CV2 .destroy all windows दूंगा डाल ठीक है सो आई एम शो कर दिया वेट की डाल दिया डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर दिया एंड जस्ट मी एग्जीक्यूट की चीजें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं देखो चल तो परफेक्ट रही हैं एंड इमेज का साइज भी परफेक्ट है मुझे कोई रिसाइज करने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइड right, मेरा साइज दिख रहा है ठीक है अब मैं इसको कर दूंगा बंद एंड नाउ आई जम्प टू आई टू योर एलिप्स को कैसे बना सकते हैं ड्रॉइंग एलेप्स है ना तो एलिप्स को ड्रॉ करना है हमें एलिप्स बनाना शुरू करते हैं अब एलिप्स बनाने के लिए कमांड क्या है देखो अब आपको मैं लेके चलता हूं भाई ओपन सीवी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ठीक है सो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे हम आ चुके हैं इसके ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन पे आपको जाना है वहीं देखो सेम शेप पता लोकेशन सेम ही है मेन पेज पे जाना है फिर थर्ड ऑप्शन ओपन सी वी डैश फाइथ ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करना है एंड नीचे आके जीवाई फीचर्स इन ओपन सी वी सेकेंड ऑप्शन जो है वो सिलिक करना है और नीचे आके थर्ड ऑप्शन ड्राइंग फंक्शन इन ओपन सी वी पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहीं पर एलिप्स मिल जाएगा ठीक है सो एलिप्स पे क्लिक करना है अब ये एलिप्स खुल जाएगा अब देखो एलिप्स क्या है एक ओवरलोडेड फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है एलिप्स का देर आर टू सेंटेक्सेज ऑफ एलिप्स ऊपर जाओगे तो ऊपर नहीं मिलेगा ऊपर तो ड्राइंग मार्कर है ड्रॉ मार्कर है इसका भी हम आगे यूज करेंगे फॉर नाउ देखो एलिप्स है और एलिप्स देखो वन आउट ऑफ टू दिखा रहा है मतलब देर आर टू ऑफ एलिप्स जिसमें से पहला आप देख रहे हो ठीक है तो यहां से आप देख सकते हो कितने एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि अगर आप मैं ड्रॉइंग मार्कर्स में दिखाऊँ का ड्रॉइंग मार्कर्स अभी तो आया था यार हाँ ड्रॉइंग मार्कर्स में देखो देर इज नथिंग रिटन हर ठीक है एंड अगर मैं ड्रॉ काउंटर्स जाऊ तो यहाँ पर भी नहीं है ठीक है बट इफ आई गो टू एरो ठीक है सर्कल पे भी कुछ नहीं है ठीक है बट क्लिप लाइन पे देखो ठीक है सर्कल का भी एक लौता कमांड एग्जिस्ट करता है तो देर इज नथिंग रिटन हेयर है ना एरोड लाइन का भी करते हैं तो देर इज नथिंग रिटन हेयर बट क्लिप लाइन के तीन एग्जिस्ट करते हैं सी देर आर थ्री सिंटेक्सिस ऑफ क्लिप लाइन जिसमें से ये पहला है ये दूसरा है एंड ये तीसरा है सो देर आर थ्री सिंटेक्सिस ऑफ क्लिप है ना क्लिप लाइन बेसिकली लाइक दैट एलिप्स के कितने हैं एलिप्स के दो हैं है ना दिस इज वन आउट ऑफ टू एंड दिस इज टू आउट ऑफ टू

ठीक है तो सिंटेक्स देखो सिंपल सा ये है cv2.ellipse लिखना है दैट्स इट फिर img पास करना है जिसमें ड्रा करना है यहां तक तो कहानी क्लियर अब इसके बाद आती है प्रॉब्लम व्हिच इज सेंटर पास करना है एक्सिस पास करना है एंगल पास करना है स्टार्ट एंगल पास करना है एंड एंगल पास करना है उसके बाद तो कहानी इजी है कलर थिकनेस लाइन टाइप एंड शिफ्ट ये तो हम देख चुके हैं और रिटर्न होके मिलेगा क्या यू विल गेट img

एलिप्टिकल आर्क भी बना सकते हो भाई आर्क मतलब क्या पूरा साल सेक्टर को भी अंदर से कलर फिल कर सकते हो सो देर आर मेनी ऑप्शन इसीलिए इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी दिख रही है कहानी ओके okay? तो एक्चुअली जो स्टार्ट एंगल एंड एंगल है ये उस पर्टिकुलर किसके लिए आर्क के लिए ही है दिया हुआ Okay. Now, the function CV ellipse with more parameters draws an ellipse outline, a filled ellipse, an elliptical arc, or a filled ellipse. सेक्टर तो चार चीजें करता है एलिप्स की आउटलाइन कर देता है एक नॉर्मल एलिप्स, बना देता है एक फिल्ड एलिप्स बना देता है एलिप्टिकल सेक्टर जो अंदर से फील्ड है ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो सेक्टर बेसिकली क्या तो सेक्टर होता है रेडियस और आर्क के बीच का पार्ट है ना चल उ द ड्रॉइंग कोड यूज अ जनरल पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है सो ड्रॉइंग कोड बहुत सिंपल से पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करता है अ पीस वाइज लीनियर कर्व इज यूज टू अप्रोक्सिमेट द इलेप्टिक आर्क बाउंड्री ठीक है तो एक पीस वाइज लीनियर कर्व यूज करते हैं ताकि आप एलिप्टिकल बाउंड्री को के आर्क को स्पेसिफाई कर सको अप्रोक्सीमेट कर सको इफ यू नीड मोर कंट्रोल ऑफ द द एलिप्स एलिप्स रेंडरिंग यू कैन रिट्रीव कर्व यूजिंग टू पॉली अच्छा इन सब पे हम अभी नहीं जा रहे हैं ठीक है मतलब एलिप्स टू पॉली से बेसिकली रिट्रीव कर सकते हो अगर आपको और कंट्रोल चाहिए ठीक है फिर उसको रेंडर कर सकते हो पॉली लाइन की मदद से और फिर कलर फिल कर सकते हो फिल पॉली की मदद से है ना सो इफ यू यूज द फर्स्ट वेरियंट ऑफ द फंक्शन एंड वॉन्ट टू ड्रॉ द होल एलिप्स नॉट एन आर्क पास एंगल स्टार्ट एंगल इज इक्वल टू जीरो एंड एंड एंगल इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री तो अगर आपने स्टार्ट एंगल जीरो और एंड एंगल थ्री सिक्सटी पास कर दिया तो आपका कंप्लीट एलिप्स बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ स्टार्ट एंगल इज ग्रेटर देन एंड एंगल देन दे आर स्वैप्ड द फिगर बिलो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पैरामीटर्स टू ड्रॉ ब्लू आर्क तो ब्लू आर्क को ड्रॉ करने के लिए दिस इज द्लू आर्क तो पर्टिकुलर ब्लू आर्क को ड्रॉ करने के लिए पहले यह सब इमेज हम बाद में देखेंगे पहले जरा आई एम जी देख लेते हैं आई एम जी इज इमेज जो इमेज आपको पास करनी है सेंटर इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स अगर आप यहां पर देखना चाहो तो वट इज देंटर ऑफ द एलिप्स देखो ये इलेप्स ना जो रेड लाइन से आपको दिख रहा है दिस इज एन एलिप्स ठीक है दिस इज एन एलिप्स एंड एलिप्स का हमें फिलहाल ये आर्क बनाना है बट वो चलो अलग हो गई कहानी सेंटर देखते हैं तो सेंटर इज दिस पॉइंट है ना दिस इज द सेंटर पॉइंट अच्छा ऑल द अगर आप देखो तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट आपको समझ में आएगा कि यार दिस वाई पार्ट एंड दिस एक्स पार्ट इज नॉट यूनिफॉर्म है ना दिस इज नॉट यूनिफॉर्म यस दिस इज नॉट यूनिफॉर्म बट दिस इज द सिचुएशन ओके ठीक है होता नहीं है बट दिस इज द ओनली सेंटर

फोकस का प्लूरल जैसे फोका है तो मोस्ट मतलब ज्यादा जो यूज होता है दैट इज फोकस एंड फोका ओनली ठीक है इवन अभी आप क्लास टेंथ में हो तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास टेंथ में फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर यू वुड हैव स्टडीड दिस पार्ट व्हाट व्हाट वी कॉल इट एज कैपलस लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है ना तो उसमें भी आपका जो फर्स्ट लॉ है दैट स्टेट की जो

ठीक है तो मेन एक्सेस देखो कौन कौन सी दिस इज द फर्स्ट एक्सेस है ना एंड दिस द सेकेंड एक्सेस तो एक्सेस की हाइट एंड एक्सेस की विर्थ तो बेसिकली ये विर्थ हो गई एंड ये हाइट हो गई रेड कलर का लिप्स है ना वो इमेजिन करिएगा तो ये विर्थ सॉरी so, ये हाइट नहीं ये दिस इज व्हाट दिस इज हा हाइट दिस इज हाइट दिस इज हाइट एंड दिस इज विध बेसिकली ठीक है चलो नेक्स्ट इज वर्ड नेक्स्ट इज एंगल सो एलिप्स रोटेशन एंगल्स इन डिग्री देखो ये जो एलिप्स है ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं दिख रहा ना स्ट्रेट नहीं है ये थोड़ा सा घूम चुका है तो वो किस एंगल से घूमा हुआ है वही एंगल आप स्पेसिफाई स्टार्ट मतलब स्पेसिफाई कर सकते हो कि, कि कितने एंगल से आपको इसको रोटेट करना सो दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रोटेशन दिस एंगल बेसिकली ओके ये सेलेक्ट हो जा रहा है नाइस ठीक है सो दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रोटेशन बेसिकली दिस एंगल ओके अंडरस्टूड दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रोटेशन जो एंगल दे रखा है I don't know. नेक्स्ट इज योर स्टार्ट एंगल अब देखो स्टार्ट एंगल और एंड एंगल किस लिए है वो आर्क बनाने के लिए अगर आपको कभी भी आर्क बनाना है दिस टाइप ऑफ आर्क तब आप इसका यूज करते हैं तो आप क्या स्पेसिफाई करते हो यार जो भी आपकी एक्सेस बन चुकी है जो भी आपकी एक्सेस बन चुकी है है उसके कहां से स्टार्ट करना आपको एलिप्स को डिस्प्ले करना है तो स्टार्ट एंगल आपने दे दिया कि स्टार्ट एंगल मतलब ये जो मेन एक्सेस है बेसिकली आपकी है ना दिस इज द फर्स्ट एक्सेस मेन एक्सेस जो है आफ्टर एंगल रोटेशन उसके किस एंगल से उसके रिस्पेक्ट में किस एंगल से स्टार्ट करना है ये स्टार्ट एंगल है और कहां पे जाके खत्म करना है दैट इज एंड एंगल तो बेसिकली ये आर्क मुझे अगर बनाना है अबाउट दिस एक्सेस तो इस एक्सिस से मुझे कितने एंगल पे स्टार्ट करना है एंड कितने एंगल पे फिनिश करना है दैट आई स्पेसिफाई यूजिंग स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल उसके बाद कलर इज द कलर ऑफ द द एलिप्स एलिप्स थिकनेस थिकनेस इज बेसिकली ऑफ आर्क आउटलाइन इफ पॉजिटिव अदरवाइज इट इंडिकेट्स आप पॉजिटिव रखोगे तो थिक लाइन बनती चली जाएगी जितनी भी थिक आपको चाहिए नेगेटिव रखोगे सो यू विल फिल द एलिप्स ओके नाउ लाइन टाइप क्या है सो टाइप ऑफ द एलिप्स बाउंड्री तो जो एलिप्स की बाउंड्री बना रहे हो उसमें जो लाइन यूज होने वाली है उसका टाइप क्या है शिफ्ट द नंबर ऑफ फ्रैक्शन बिट्स इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड वैल्यू ऑफ एक्सेस उसका भी हमें काम नहीं है ठीक है तो चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं एक बेसिक सा एलिप्स अभी फिलहाल देखो क्या करेंगे देखो फिलहाल हम ये एंगल को जीरो स्पेसिफाई करेंगे नो रोटेशन स्टार्ट एंगल को जीरो स्पेसिफाई करेंगे कि भाई जहां पे मेन है वहीं से शुरू कर दो एंड एंगल को हम स्पेसिफाई करेंगे 360 की यार पूरा एलिप्स चाहिए तो देखो यहां दे भी रखा है ना स्टार्ट एंगल को जीरो दो एंड एंगल को 360 दो तो कंप्लीट एलिप्स मिल जाएगा बस उसी के लिए दे रखा है क्योंकि आप ये कह रहे हो कि भाई जो मेन एक्सेस है वहां से पूरा मुझे यहीं से डिस्प्ले करना शुरू करो एलिप्स को

ठीक है चलिए तो मैं बेसिकली क्या करता हूं आई हैव इज दिस है ना इस पर अपने को एलिप्स बनाना है तो मैं जरा फटाफट स्टार्ट करता हूं यहां से मैं क्या करूंगा ऊपर वाली जो इमेज हमने करी है रीड उसको यहां पे पेस्ट कर दूंगा बिकॉज दैट वुड बी हेल्पफुल टू मी है ना रिसाइज करने की जरूरत नहीं है रीड किया एंड डिस्प्ले किया और यहां अभी हम एडिट मारने वाले हैं जो भी हम चेंजेस करेंगे सो so, अब हम करेंगे क्या यार आई एम जी अच्छा देखो ये आउटपुट क्या कर रहा है फंक्शन मतलब मैं मुझे कहा जा रहा है कि सीवी टू डॉट एलिप्स यूज कर लो है ना बट ये आउटपुट क्या कर रहा है सो दिस फंक्शन इज आउट गिविंग मी आई एम जी मतलब इमेज मैट्रिक्स ही देते दे हैं मुझे सो वट आई डू इज आई पास आई एम जी टूटिकली जो मेरा इमेज मैट्रिक्स है

पेंट में ओपन कर लो ओपन विद जो भी इमेज में आपको करना है ओपन विद पेंट तो आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ओपन इट विद पेंट ये पेंट में ओपन हो गया थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको नहीं करते चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं ठीक है फॉर नाउ क्या करते हैं लेट मी एन एलिप्स अब देखो तो ये जो सर्कुलर शेप है ना यही मेरा जो है एलिप्स भी बनाने का काम कर देगा अच्छा मुझे पता है बाउंड्री क्या चाहिए मैं पेंट में ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ सॉलिड कलर चाहिए क्रे ऑन चाहिए मार्कर ऑयल बट मुझे तो यार सॉलिड कलर ही बढ़िया लगेगा और फिल भी ओके okay, फिल भी वही चीज है चलो कोई नहीं है ना सो परफेक्ट है आई विल ड्रो द एलिप्स अच्छा किस कलर से बना ले सही बताइए यार कौन सा कलर यूज करें हम यहाँ पे लेटेस्ट ड्रॉ व्हाट लेटेस्ट ड्रॉ ब्लैक कलर होनी है ना ब्लैक कलर अच्छा लगेगा शायद यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पे मुझे इस तरीके से एलिप्स ना दिस इज एन एलिप्स ओके दिस इज एन एलिप्स तो मुझे इस तरीके से एलिप्स दिखा दीजिए यार थोड़ा सा है ना तो ये चीज मैं कह रहा हूँ दिस इज एन एलिप्स बेसिकली अंडरस्टूड तो ये एलिप्स मुझे चाहिए अब देखो इस एलिप्स का सेंटर कैसे फाइंड करोगे अगेन द सेम सिचुएशन सेम सिचुएशन जैसे सेंटर में फाइंड किया था आपने कैसे कि यार आप क्या करो आप इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकाल लो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो ठीक है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो एंड इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए ठीक है बाकी इसका सेंटर पॉइंट तो इसके ही आधे से आ जाएगा दैट्स इट एक करो सेंटर आ गया लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस थिंग फॉर यू जैसे हमने सर्कल में किया था ठीक है तो यहीं पर बना देता हूं यार आप के लिए ये चीज है ना इसको मैं पूरे को कर दूंगा कमेंट कितना हो गए दो हो गए ना ये ओके okay. एक्चुअली इसको भी मैं मिनिमम कर देता हूं है ना एक एक और ये डिस्टेंस ज्यादा रख लेते हैं एलिप्स देखिए ताकि ठीक है चलो अब रखते हैं जरा कोआर्डिनेट सकते सो दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट दिस कोऑर्डिनेट इज फोर एटी थ्री कॉमा थर्टी फोर अच्छा एप्रोक्सीमेट आप कभी भी कर सकते हो मैं आपको एक्यूरेटली कितना एक्यूरेटली आप निकाल सकते हो इसलिए बता रहा हूँ चीजें है ना तो इस तरीके से आप मोस्ट एक्यूरेटली निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट्स बट आप अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो अप्रोक्सीमेट भी करो कोई भी इशू नहीं है फोर एट्टी थ्री थर्टी एट है ना फोर एट्टी थ्री थर्टी एट सही लिखा है नेक्स्ट इज वन नेक्स्ट इज दिस वन विच इज फोर एट्टी थ्री फोर टू वन फोर एट्टी थ्री फोर टू वन फोर एट्टी थ्री फोर टू वन सॉरी फोर टू वन फोर एट्टी थ्री फोर टू वन ठीक है दिस इज फाइन नेक्स्ट इज दिस वन विच इज वन 187.228, सेवन कॉमा टू टू एट वन सेवन कॉमा टू टू एट सेवन कॉमा टू टू एट और नेक्स्ट कॉर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसके दिस वुड बी दिस वुड बी सेवन 778.230, एट टू थर्टी सेवन एट कॉमा टू थर्टी सेवन सेवेंटी एट कॉमर टू थर्टी अब थोड़ा सा देखो क्या होगा थोड़ा बहुत कॉर्डिनेट्स क्योंकि मेरा वो भी मिल जाता है माउस कर्सर भी हिल जाता है तो उस चक्कर में भी फर्क पड़ता है ठीक है बट ठीक है हम इसको मोस्ट अप्रोक्सीमेटली बना देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलो अब क्या करेंगे और थोड़ा सा इसको नीचे इस तरीके से भी ड्रॉप कर सकता हूँ मैं क्या इस तरीके से थोड़ा सा और कर दूंगा ऐसे चलो नाउ ये सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा बेसिकली व्हाट वुड बी दिस सेंटर कोऑर्डिनेट है ना क्या लगता है आपको क्या रहने वाला है

गेट अ क्वांटिटी एंड उसको ऐड कर दो तो 187 में सेवन वैल्यू यू विल गेट जस्ट फिल इट हेयर आंसर अंडरस्टुड नो लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट ठीक है सो क्या होगा माइनस ठीक है देखो 778 सेवनटी यहाँ दिख रहा है ना सेवन सेवन एट इज दे दोन ठीक है क्यों क्योंकि क्यों, ऑड क्यों, छोड़ा तो एक काम करते हैं इसको जो है सिक्स कर लेते हैं नाउ इट वुड बी इजी ठीक है easy, तो सेवन सेवनटी एट माइनस वन एट्टी सिक्स सेवन इतना थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आप राउंड ऑफ मार सकते हो कोई इशू नहीं आएगा आपको है ना चलो सेवन सेवनटी एट माइनस वन एटी सिक्स वन एटी सिक्स डिवाइडेड बाई टू विल गिव यू टू नाइनटी सिक्स तो दिस इज वट टू नाइन्टी सिक्स दिस इज टू नाइनटी सिक्स आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर बट दिस इज दिस टू नाइनटी सिक्स येस ठीक है क्योंकि हमने ऐड नहीं, कि, अच्छा, नहीं किया अच्छा सॉरी 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 माई मिस्टेक मैंने क्या ऐड नहीं किया किया दिस इज नॉट ये ऐड करने क्या वन एटी सिक्स टू एड वन एटी सिक्स है सो दिस वुड बी फोर एटी टू एंड ये कॉर्डिनेट आपका है फोर एटी टू अंडरस्टुंड दिस इज योर आंसर

माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू विल गिव यू वट वन नाइन्टी थ्री अप्रोक्सीमेटली तो इसमें थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम uh, हो रही है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ वट आई एल डू इस मेरा ये चीज़ तो सही सेटल हो गया अब मुझे थोड़ी सी इसकी हाइट ही सेटलमेंट करना पड़ेगा कहानी और इवन देखो आपका ये भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है ये फोर एटी टू ना तो ये भी शुड बी फोर एटी टू दिस एज वेल शुड बी फोर एटी टू एंड हम इसको ट्वेंटी इस तरीके से रखेंगे कि हमारा डिफरेंस टू थर्टी ही आ जाए ठीक है सो वट वी वुड डू इज वट वी वुड डू इज हम यहाँ पे काम ये ओके okay, सॉरी हम यहाँ पे काम ये करते हैं कि हम ओके वट शुड वी डू तो फोर माइनस कुछ करें डिवाइड बाय टू करें ताकि टू थर्टी आ जाए तो टू थर्टी को हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं टू थर्टी इन सॉरी सॉरी टू थर्टी इंटू इन टू करते हैं विल गेट फोर सिक्सटी है ना एंड फोर सिक्सटी में से थर्टी फोर माइनस करेंगे है ना so सो एक्चुअली में फोर थर्टी नहीं इसमें फोर थर्टी करेंगे प्लस थर्टी फोर करेंगे सो so, ओके okay यार सॉरी टू थर्टी इन टू प्लस प्लस थर्टी फोर आई गेट वो नाइनटी सिक्स तो दिस शुड बी फोर सिक्स तो क्या फोर नाइनटी सिक्स में जब आप 34 फोर सब ट्रैक करोगे यू विल गेट समथिंग एंड उसको डिवाइड करोगे गेट 230 है ना सो so 496 नाइनटी सिक्स माइनस थर्टी फोर डिवाइड बाई टू यूल गेट टू थर्टी वन बाई अच्छा ये 494 था शायद ओके okay, ये 494 था दिस वाज 494 नाइनटी फोर माइनस थर्टी फोर डिवाइड बाई टू टू फाइनल है ना परफेक्ट अब देखो वाई आई एम कैलकुलेटिंग दिस आप चाहो तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो बट ठीक है कैलकुलेशन करना इज मच मोर बेटर इन कंपेरिजन टू योर राउंड ठीक है सो ऑलवेज कैलकुलेट एक्यूरेट बनेंगे चीज चलो अब जरा फटाफट क्या करते हैं अब जरा वैल्यूज डालने शुरू करते हैं तो दिस इज योर सेंटर कोऑर्डिनेट ये क्या है सेंटर है ठीक है सो लेट मी पास सेंटर हेयर ठीक है तो सेंटर क्या है यार मेरा सेंटर इज कॉर्डिनेट से फटाफट फोर एट्टी टू कॉमर टू थर्टी फोर एटी टू कॉमा टू थर्टी फोर एटी टू है टू थर्टी एक्सेस क्या है वट आर क्या, क्या है भाई तो एक्सेस सबसे पहले है फोर एटी टू माइनस वन एट्टी सिक्स फोर एटी टू माइनस वन एटी सिक्स फोर एटी टू माइनस वन एटी सिक्स टू सिक्स तो दिस इज टू सिक्स पहली आएगी टू नाइनटी सिक्स एंड देन नेक्स्ट क्या आने वाली है यार नेक्स्ट वुड बी योर फोर एटी टू माइनस सही नहीं टू थर्टी माइनस थर्टी फोर टू थर्टी माइनस थर्टी फोर ठीक है सो विच इज वन नाइनटी सिक्स सो दिस वुड बी वन नाइन सिक्स वन सिक्स एंड दैट्स इट दीज आर योर एक्सेस और हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी हमने इमेज डाल दिया सेंटर डाल दिया एक्सेस डाल दिया एंगल ऑफ रोटेशन इज जीरो यू वेरी वेल नो दैट सो दिस एंगल अब मैं क्यों स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करके डाल रहा हूँ बिकॉज देर आर कन्फ्यूजनस इन दिस वैल्यूज इस वजह से मैं स्पेसिफाई करके डाल रहा हूँ दिस इज जीरो एंगल ऑफ रोटेशन जीरो है अभी फिलहाल मेरा है ना फिर मेरा अच्छा ये कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट है जो डालने भी जरूरी है, है ना तो ऐसा भी नहीं है स्किप कर सकते हैं बट हाँ ठीक है हमको स्पेसिफाइड वैल्यूज अभी फिलहाल डाल देंगे एंड एंगल शुड बी थ्री सिक्सटी ठीक है एंड नेक्स्ट कलर शुड बी वॉट तो कलर क्या डाल बीजीआर फॉर्मेट में डालना अपने को क्या डालते कलर क्या यूज किया था कलर so तो तो हो गया एंड ये खत्म होता है इसके बाद जो कहानी है हमारी दैट इज ऑफ ऑप्शन पैरामीटर्स थिकनेस लाइन शिफ्ट एंड सॉरी लाइन टाइप एंड शिफ्ट है तो कलर तक हमने जो कंपलसरी आर्ग्यूमेंट से वी अंडरस्टूड Chalo, now next next what next after this what I need to do is now this is done right so let us print it right? so let us print it so this would be new IMg new underscore IMg and uh, let me just print it now let me just run it see परफेक्ट ना जो मुझे चाहिए था द सेम एल्स थिकनेस में प्रॉब्लम बट देखो बिल्कुल बन ना, जो मैंने बनाने की कोशिश करी अंडरस्टूड अब अगर आप अप्रोसीमेट करते बिल्कुल फ्री है कोई प्रॉब्लम थोड़ी है बट देन यू वॉन्ट गेट द एक्यूरेट एलिप्स थोड़ी सी मेहनत करनी एक्यूरेट एलिप्स बनाने के लिए ठीक है एंड आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके से कंसेप्चुअली आप चीजें ड्रॉ कर सकते हो राइट सो दीज कोऑर्डिनेट्स आई आर कंप्लीटली क्लियर ठीक है चलो सो दिस वाज योर एलिप्स अब इसकी थोड़ी सी चेंजेस करके देखते हैं अलग अलग कहानी है ना तो सबसे पहले तो थिकनेस बढ़ाते हैं यार बहुत कम सी थिकनेस लग रही है दिख भी नहीं रही चीजें वहां पे ठीक है सो तो सबसे पहले तो मैं बढ़ाऊंगा यार यहां की थिकनेस ठीक है तो सब तो सबसे पहले हम बढ़ाते हैं क्या भाई थिकनेस सो आई स्पेसिफाई द थिकनेस पार्ट सो दिस इज थिकनेस ठीक है थिकनेस मैंने स्पेसिफाई कर दिया विल सी टू दैट वन ओके सो थिकनेस में क्या डालना है यार अब देखो मैं पुराना कोड कॉपी मारता हूं ठीक है अब देखो चेंजेस क्या है इसमें ये सब चीजें रहेंगी क्या दिस आर इंपॉर्टेंट ये सब चेंजेस रहने वाले हैं बस हम यहां पे करेंगे कि यार यार यहां पे हम आ, थिकनेस स्पेसिफाई कर देंगे सो so, थिकनेस इज बेसिकली वट थिकनेस पॉजिटिव स्पेसिफाई करेंगे फॉर नाउ ठीक है तो फिलहाल तो बहुत पतला सा दिख रहा था ओके okay, मैंने गलती करी है ना ओके okay. फिलहाल पहले तो बहुत पतला सा दिख रहा था लाइन इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं सो लेट मी मार्केट फाइव है ना देखते हैं फाइव थिकनेस पे क्या होने वाला है सो फाइव थिकनेस पे अच्छी सी लाइन आ जाएगी आपके पास है ना काफी बड़ी सी लाइन आ चुकी है और बड़ा थिकनेस यूल गेट मोर थिक ठीक है मोर थिक लाइन यूल गेट कॉपी करेंगे इसको कमेंट करेंगे एंड नेक्स्ट अच्छा एक बात बताइए क्या मैं इनको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में नहीं डाल सकता कंटे डू दिस इस तरीके से ठीक है क्योंकि वो बहुत लंबा हो रहा है ना प्रॉब्लमेटिक लग रही है सिचुएशन है ना आई डू दिस ताकि आपको सारी जो वैल्यूज है वो क्लियर है कोई प्रॉब्लम ना हो कैन डू दिस और इसमें बोल के चेंज ही कर देते हैं लेट मी सो व्हाई नॉट यू कैन डू दिस ओके सो दिस इज योर आउटपुट हो हुई योर लाइन है ना लेट मी मेक इट मोर थिक ठीक है मैंने पूरा कॉपी नहीं किया ओके okay. अब सही है चलिए सो मोर थिक कितना कर दें लेट मी मेक इट ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव इज क्वाइट थिक राइट काफी मोटी आ गई लाइन ओके सो दिस इज योर थिकनेस अब थिकनेस में अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया वॉट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई कर दी देन तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस वन स्पेसीफाई कर दिया माइनस वन तो मेरा फ्लैश तो गया काम से हाइट हो जाएगा उसका फेस ठीक है ब्लैक चुका है बिल्कुल तो दिस इज योर फिल्ड पूरा क्या है ये कंप्लीटली फिल्ड एलिप्स है ओके okay? क्लियर चलो अच्छा कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे इट विल फिल बट मतलब कोई ब थिकनेस वगैरह नहीं बढ़ाएगा इट वुड जस्ट फिल इट माइनस हंड्रेड पास कर रहा हूँ बेक फिफ्टी पास कर लेते फिलहाल तो ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी वुड बी बेस्ट तो दिस इज क्वाइट बेक वैल्यू बट कोई साइज नहीं बढ़ा आपका बस वो हाँ फिल्ड है ना अंदर से फिल्ड है दैट्स सेट तो नेगेटिव वैल्यूज इफ यू विल स्पेसिफाई वो उसको कंप्लीटली अंदर से फिल कर देगा दैट्स सेट है ना फिल्ड एलिप्स बना देगा ओके okay, एक चीज और कि अगर सपोज यहां पर मैं डेसिमल वैल्यूज पास करूं देन 2.5 करते हैं थ्री भी नहीं करते हैं फिलहाल तो 2.5 देन व्हाट तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नॉट अलाउड ठीक है सो यू आर नॉट अलाउड टू पास दैट ओके सो यू गेट व्हाट यू गेट एन एरर व्हिच इज आर्गुमेंट थिकनेस इज रिक्वायर्ड टू बी एन इंटीजर ओके okay, इंटीजर होना चाहिए इफ इट इज नॉट इंटीजर आपको एरर मिल जाने वाला है अंडरस्टूड आर्गुमेंट थिकनेस इज रिक्वायर्ड टू बी एन इंटीजर चलो दिस इज क्लियर नेक्स्ट चलते नेक्स्ट इज व्हाट ओके नाउ आफ्टर थिकनेस अब नेक्स्ट इसका क्या है भाई ऑप्शनल पैरामीटर वो लेते हैं व्हिच इज लाइन टाइप ठीक है सो दिस इज योर व्हाट लाइन टाइप है ना सो लाइन टाइप पे चलते हैं सो दैट लाइन टाइप वुड बी वॉट लाइन टाइप वुड बी वॉट सो लाइन टाइप आपको पता है यार फील्ड है या फिर दैट इज द थिंग तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो सी वी टू डॉट फील्ड यहाँ पे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा है ना वाई कुछ अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लाइन उसको ऐसा कुछ फिल नहीं कर रही है टेंथ थिकनेस के साथ यू वॉन्ट गेट एनी थिंग है ना बेटर क्या है बेटर है ये फिल्ड आप भरो बट नीचे भरो मतलब सॉरी ऊपर भरो थिकनेस में भर दो अगर आप फिल्ड सो दैट विल फिल द so थिंग राइट जिसे में अगर इसको हटाऊं और यहां पे सी वी टू डॉट फिल्ड पास कर दू ना दिस विल वॉट दिस विल फिल सो अब ये कंप्लीटली फिल हो चुका है सो सी वी टू डॉट फिल्ड आप इस तरीके से रन कर सकते हो इफ़ यू होट ठीक है चलो नेक्स्ट इज वर्ट नेक्स्ट इज की ओके लाइन टाइप में और भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है बचेस और इसके लिए मैं थोड़ा सा चलो लाइन लिख तो देता हूँ पहले तो और थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि आपको चीज समझ में आए सो ट्वेंटी फाइव वुड बी बेस्ट ओके ट्वेंटी फाइव में कोई मच नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस है ना परफेक्टली आ रहा है नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस ठीक है कॉपी पेस्ट करते हैं लाइन एट डाल दीजिए यू वोंट फाइंड मच ओके यू वोंट फाइंड मच ऑफ अ डिफरेंस देयर बैक अगेन क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अंतर है ही नहीं ठीक है अगेन वैसा ही कुछ दिख रहा है नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस अच्छा अंतर किस में दिख लेता है गंदे नहीं दिख रहे हैं दिस इज गुड तो हमेशा लाइन टाइप अगर आपको स्पेसिफाई करना है स्पेसिफाई लाइन ए दैट इज बेस्ट ओके अगर आपको उसमें जाना है, तो बेसिकली इफ यू नीड टू फोकस ऑन द शार्पनेस ओके ओके नेक्स्ट आफ्टर दिस इज वॉट नेक्स्ट आफ्टर दिस इज ओके हमारे पैरामीटर सारे कंप्लीट हो चुके हैं इफ यू कैन सी टू दिस वन शिफ्ट हम देखेंगे नहीं है ना लाइन टाइप हम देख चुके हैं हैं थिकनेस हम देख चुके ना अंदर के भी सब देख चुके अब एक एक करके अंदर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज अलग हो सकती हैं वो देखते हैं तो जैसे कि कलर बनाता हूँ ठीक है सो कलर आई एल स्पेसिफाई कलर इफ आई स्पेसिफाई सो वट दैट वुड बी ओके सो कलर स्पेसिफाई कैसे करें हम लोग ओके okay, यहाँ पे है ना कलर सो लेट मी जस्ट स्पेसिफाई कलर हेयर So <coughs> so कलर ले आता से मिलेगा यार ऑनलाइन आप कर लो ऑनलाइन कलर पे कर पे का सर्च फॉर ऑनलाइन कलर पे का सॉरी नॉट ऑनलाइनिंग ऑनलाइन कल आपका खोलिए मैंने नीचे आओगे नीचे आओगे इस कहीं खुल जाता है वैसे कभी कभार नहीं खुलता है चौक तो कोई भी आप खोल लो है कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है इवन ये कोड आप खुद भी कर सकते हो कैसे बना सकते हो आके दिखाएंगे आपको ये चीज़ भी चलो अब जो कलर चाहे वो चूज़ कर सकते हो तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ मैं फिलहाल ब्लूइश कलर ही चूज़ करता हूँ डार्क इस इस तरीके का ब्लू है ना एंड आर जी बी वाली कॉपी कर लूंगा एंड इसको मैं कर दूंगा इसकी जरूरत नहीं इसको बंद कर देते हैं ना वी डोंट नीड दिस फ्लैश नाउ यहाँ दूंगा तो हमें आर करना है दिस इज आर जी कलर बट मुझे बी जी फॉर्मेट में करना है कलर किस में होता है बी जी फॉर्मेट में स्पेसिफाई होता है सो यूनिट टू राइट टू ट्वेंटी एट कॉम फिफ्टी सेवन कॉम आवनटीन ठीक है एंड वेन यू रन इट यूल गेट द ब्लू कलर्ड लाइन ठीक है तो ये ब्लू कलर्ड लाइन मिल गई आपको इसके चारों तरफ अंडरस्टूड सो दिस वॉज योर ब्लू कलर लाइन तो कलर समझ में आया तो इस तरीके से आप कलर फिल कर सकते हो ठीक है कलर भी हो गया अब स्टार्ट एंगल एंड एंगल बाद में देखेंगे पहले एंगल देखते हैं ठीक है वॉट अबाउट दिस एंगल ठीक है सो लेट लेट मी लेट मी लेट मी जस्ट स्पेसिफाई एंगल हेयर सो वी आर सींगट वी आर सींग एंगल हेयर ठीक है सो लेट्स फोकस ऑन एंगल है ब्लैक लाइन है थिकनेस थे तो ज्यादा हो जाएगी सो लेट मी जस्ट दिस टू बी डिस इस ब्लैक फाइन एंड स्टार्ट में कोई अंतर नहीं है अब इसमें हमें चेंजेस मारने तो आप इसमें जो मर्जी चाहे चेंजेस मार लो जैसे मैं थर्टी डिग्री पे कहूंगा तो थर्टी डिग्री पे रोटेट हो जाएगी स्क्रीन आपकी मतलब एलिप्स देखो थर्टी डिग्री पे हो गया ना ठीक है एंड दिस इज नॉट लुकिंग मट मच मच मोर बेटर है ना इस तरीके से आप रोटेट करके और बेटर आप इस एलिप्स को बना सकते हो है ना सो इफ यू वांट आप इस तरीके से बनाइए दैट वुड लुक गुड और रोटेट करो थोड़ा सा थर्टी डिग्री अभी थोड़ा सा कम लग रहा है एंगल में थोड़ा सा और रोटेट कर लो सो रोटेटेड बाय वॉट रोटेटेड बाई राटी फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री अच्छा दीज आर इन डिग्रीज ओके तो 45 फाइव डिग्रीज इज़ लुकिंग कूल बट ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा तो नीचे शिफ्ट क्या करना पड़ेगा पॉइंट को आपको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है तो सेंटर यही रखिए बस थोड़ा सा इसका सेंटर पॉइंट का जो नीचे का थिकनेस वो है ना वैल्यूज़ वो नीचे कर दो तो सेंटर में एक्स तो यही रहेगा इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं तो दिस स्पेसिफाई दिस टू सो दिस शुड कम परफेक्ट नाउ लेट सी हाँ थोड़ा सा सही हुआ तो टू के अलावा थोड़ा सा और कर लेते हैं टू कर लेते हैं टू दिस वुड आई थिंक बी बेटर ओके okay, अब पूरा लेप्स आ रहा है थोड़ा सा बट रोटेशन और करना पड़ेगा थर्टी डिग्री इज़ नॉट एनफ फाइव फोर्टी फाइव डिग्री इज़ नॉट एनफ ठीक है थोड़ा सा और करते हैं लेट मी जस्ट डू दैट टू सिक्सटी डिग्री दैट वुड बी आई थिंक सो बेस्ट है ना सिक्सटी डिग्री वुड बी बेस्ट सो लेट मी डू दिस सिक्सटी डिग्री ओके वट अबाउट सिक्सटी डिग्री सो सिक्सटी डिग्री क्वाइट कूल आए थोड़ा सा फिर से कटने लग गया थोड़ा सा इंटर पड़ेगा बट ठीक है चलो अब सही लग रहा है है ना अब इसको आप 90 डिग्री कर दो यू विल जस्ट कम्प्लीटली इट है ना तो आप सारे एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो विच एवर यू वॉन्ट ठीक है सो यू कैन स्पेसिफाई नाइन्टी एज वेल हेयर ओके नाइन्टी एज वाले सो बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो गया इस तरीके से नाइन्टी डिग्री में अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यार जितना एलिप्स आपका मतलब जो भी बनाऊँ जस्ट ट्राई टू मेक इट इन साइड द पार्ट मतलब इन साइड द फ्रेम ऑफ द इमेज क्योंकि अगर वो फ्रेम से बाहर जाएगा तो फ्रेम उस पर्टिकुलर शेप को कट कर रहा होगा जैसे यहाँ पे कट कर रहा है है ना यहाँ पर भी कर रहा है सर्कल में देखा लाइन में देखा हमने रेक्टेंगल में देखा हर जगह देखा ये चीज़ ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर अब इसको आप रिवर्स रोटेशन और करते चले जाओगे तो आपका वो चीज़ भी होती जाएगी है ना तो ये ऐसे ऐसे था ऐसे ऐसे रोटेट करके आप इसको 90 डिग्री पे लाए और रोटेट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा वन एट्टी डिग्री तो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हो इफ़ यू वांट कॉपी करके इसको कमेंट करूंगा मैं है ना और मैं क्या करूंगा इसको पेस्ट करूंगा नेक्स्ट लाइन में एंड इसको देन नाइन्टी बड़ी वाली उस टू सेवेंटी पास करते हैं वाट अबाउट टू सेवेंटी तो अब ये इस तरफ रोटेट हो जाएगा ठीक है अगर कुछ हुआ नहीं शायद टू सेवेंटी डिग्री इज़ नॉट गुड है ना नाइन्टी से ऊपर वन एट्टी से कम लेना चाहिए ना पहले अपने खुद से सो वन एटी से कम कैसे लें इसको मेरी एंटी एलियस लाइंस भी नहीं चल रही यार मेरी गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे ठीक है दिस इज परफेक्ट नाउ ये वैल्यू क्या डाले यार एंगल की एंगल की वैल्यूज डालते हैं हम आफ्टर 90 लेटेस्ट स्पेसिफाइड वन ट्वेंटी हेयर ठीक है चीके? 120 ट्वेंटी नहीं दिया हम डाला हमने तो 120 डिग्री रिवर्स रोटेशन हो गया है ना 120 के बाद स्पेसिफाई तो आप इसको अब अलग अलग एंगल स्पेसिफाई करके पूरा घुमा सकते हो ठीक है इवन आप एक ट्रैक बार भी बना सकते हो वो बनाना सिखाऊंगा आपको तब देखना इस पर चलो वन नाइन वन ट्वेंटी हो गया वन एट्टी कर दो वन एट्टी से बिल्कुल स्ट्रेट वापस आ जाएगा घूम के पूरा ठीक है स्ट्रेट आ गया वापस सो लाइक दिस यू कैन डू थिंग्स है ना तो लाइक दिस यू कैन एक्सप्लोर नॉट जस्ट एक्सप्लोर ऑन एंगल्स ठीक है तो एंगल्स इज कम्प्लीटली फाइन आई होप सो सो so एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा ठीक है एंगल बस आपका रोटेशन करके दे रहा है ओके नाउ ट्राई विद द स्टार्ट एंगल ठीक है नाउ एक्सप्लोर द स्टार्ट एंगल ठीक है और ये भी जो मैं स्पेसिफाई करूंगा मैं थिकनेस से पहले वाला करूंगा फिलहाल है ना थिकनेस से पहले वाला कहाँ है सॉरी थिकनेस नहीं बेसिकली दिस वन विच इज वट वी कॉल इट एज योर एंगल से पहले वाला ओके एंगल से पहले वाला ये था इसको कॉपी कर लूंगा मैं और यहाँ पे हम डालेंगे दिस वुड बी नेक्स्ट वुड बी वट स्टार्ट एंगल ठीक है जस्ट सी टू दिस वन वेरी केयरफुली बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इसी साहब आर्क बनाने वाले हो इमेज रीड किया एलिप्स बनाया इमेज सेंटर पास के एक्सेस पास के एंगल जीरो डिग्री रोटेशन फॉर नाउ ठीक है ये एंटी लाइंस कर देता हूँ मैं है ना कलर एज जीरो कमर जीरो जीरो कर देता हूँ जीरो कमा जीरो जीरो कर देता हूँ ठीक है थिकनेस इज ट्वेंटी फाइव फाइन ठीक है अब वट विल डू विल स्पेसिफाई द स्टार्ट एंगल डिफरेंट ठीक है जीरो नहीं अलग पास करेंगे क्या करते हैं चलो सिक्सटी डिग्री पास करते हैं ठीक है लेट अस स्टार्ट विथ थर्टी डिग्री तो मैंने स्टार्ट एंगल थर्टी स्पेसिफाई किया वट एल गेट इज दिस वन अगर आप देखो सो वट हैपेंड कि आपको ये सर एलिप्स का एक आर्क मिला है कैसे तो देखो ये मेन एक्सेस है यहां से स्टार्ट एंगल शुरू होता है तो इसने जो 30 डिग्री का पार्ट है 30 डिग्री छोड़ के फिर स्टार्ट किया एलिप्स बनाना तो यहां से एलिप्स बनाना स्टार्ट हुआ है और यहां पे पूरा 360 पे खत्म हो गया दैट्स इट ठीक है आप इसी को आप बड़ा बड़ा के और ज्यादा कर सकते हो इफ यू वॉन्ट दैट तो आप चाहो तो इसको स्पेसिफाई क्या करो यार आप इसको स्पेसिफाई कर दो राधा देन थर्टी डिग्री स्पेसिफाई सिक्सटी ये बड़े से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर तो 60 डिग्री छोड़ के फिर स्टार्ट होगा बनना एलिप्स आप 90 स्पेसिफाई कर दो 90 से तो और गजब होगा कहानी ठीक है तो 90 से आगे से शुरू होगी सो यू कैन स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल एज 90 डिग्री एज वेल तो 90 डिग्री से शुरू होगा कहानी यहां से शुरू हो गई कहानी ठीक है फ्रॉम हेयर नाइन्टी डिग्री से शुरू हो गई अंडरस्टूड नेक्स्ट इज वॉट आफ्टर नाइनटी डिग्री यू हैव योर वन एटी डिग्री तो नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा सो दिस स्टार्ट एंगल शुड बी वन एटी डिग्री अबाउट दिस वन तो वन एटी डिग्री तो यहाँ से शुरू हो जाएगा दिस एक पूरा मतलब हाफ पार्ट आ गया ठीक है स्पेसिफाई टू सेवेंटी तो आपका ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा टू सेवेंटी स्पेसीफाई कर दो तो सिर्फ वन फोर्थ ऊपर से आ जाएगा दिस वन Like that you can specify कि कहाँ से आपको वो बनना शुरू करना है ठीक है अच्छा आपको अब एक कहानी और दिखाते हैं कि स्टार्ट एंगल के साथ ही आपको कलर स्पेसिफाई करके दिखाते हैं तो यहां पे करता हूं मैं थिकनेस एक्चुअली सो स्टार्ट स्टार्ट एंगल एंड थिकनेस

उस पर्टिकुलर थर्टी डिग्री को छोड़ के जितना एलिप्स बना हुआ है सेंटर से उसको उसको करेंगे और कलर कर देंगे इनसाइड फिल हो चुका है ये का है. तो जो लास्ट like well. तो part पार्ट है तो बाकी चीज को हाइड कर सकते हो इसके से ठीक है आप इसमें और एंगल स्पेसिफाई करो यू कैन चेंज दट और कोई भी नेगेटिव वैल्यू करो वो कंप्लीटली फिल कर देगा सर्कल को जैसे करते है, वैसे कर देगा स्पेसिफाइड टू सेवेंटी तो वो सिर्फ ऊपर वाले फिफ्टी परसेंट पार्ट को ये कवर कर देगा है like ना तो इस तरीके से right, तो आप कर सकते हो अब नेक्स्ट so, स्पेसिफाई किया मतलब तो कर लिया पे रीड करी आई एम जी है सेंटर है एक्सेस है स्टार्ट एंगल है स्टार्ट एंगल स्टार स्टार को भी हम जीरो रखेंगे मतलब तुम स्टार्टिंग से ही शुरू करो भाई बट करो पूरा नहीं 360 पूरा कंप्लीटली फिल्म मत करो सिर्फ 270 सेवेंटी फिल करो मतलब तो आपने घुमाया स्टार्ट किया जीरो से बट 270 सेवेंटी पर रुक गए ठीक है सो दैट यू कैन डू एंड अभी फिलहाल तो जो है इसको मैं थिकनेस ऐसे ही रखता हूँ कलर के साथ नहीं देखते हैं एंड एंगल को ऐसे ही देखते हैं तो देखो तो यहां से शुरुआत हुई बट रुक कहां पे गया पूरा अंत तक नहीं गया सिर्फ यहीं पर रुक गया टू सेवेंटी डिग्रीज पे तो आप बैक ट्रैक करके एंड को चेंज करके भी आप ला सकते हो कहानी पूरी चेंज करके

राइट सो लाइक दैट यू कैन मेक मतलब एंड और आप स्टार्टिंग स्पेसिफाई कर सकते हो इफ यू ठीक है अब चलो इसी में कलर्स पे फिल करते हैं सो हम करते हैं क्या एंड एंगल है ना एंड एंगल एंड एंड थिकनेस ठीक है एंड एंगल और थिकनेस को देखते हैं सो अब देखो एंड एंगल वुड बी 270 और यहाँ पे थिकनेस नेगेटिव डाल देंगे माइनस वन डाल दो सो दैट विल फिल द सेक्टर ठीक है एंड वे यू हैव सीन यहां तक बनाएगा एंड उसको फिर बचे हुए पार्ट को वो फिल कर देगा राइट right? आप इसी में क्या करो आप इसी में टू वन एटी पास करो यू विल गेट द थिंग ठीक है यहां पे वन एटी पास कर दो एंड एंगल ठीक है यू विल गेट दिंग वन एटी पास करोगे यू विल गेट दिस ओके अंडरस्टूड ठीक है आप इसी में पास करो क्या पास हेयर पास हेयर वट नाइन्टी पास कर दो है ना नाइन्टी पर रुक जाएगा फिर सिर्फ वो एक पार्टिकुलर पार्ट part को कलर कर देगा लाइक दिस सो दीज़ थिंग्स आर पॉसिबल ठीक है तो ये सब सेंटेक्टिकल वेरिएशनस हैं जो आप कर सकते हो एंड आई होप द सिंटेक्स इज कंप्लीटली क्लियर जो सारे सिंटक्स मैं आपको बताना चाहता दैट इज़ कंप्लीटली फाइन आई होप सो तो आई एम जी क्लियर है अच्छा आई एम जी में अभी एक पॉसिबिलिटी बची बचे नंपाई वाली वो देखते हैं बाकी सेंटर इज क्लियर सेंटर ध्यान रखिएगा कि यार आपका जो है अगर इन देखो सेंटर एक्सेस की वैल्यूज में क्या कहानी है कि अगर फ्रेम से बाहर जाएंगी तो जितना भी पार्ट फ्रेम में डिस्प्ले हो रहा होगा वो डिस्प्ले होगा बाकी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा ठीक है फिर एक्सेस इज क्लियर एंगल इज क्लियर ठीक है सारी पॉसिबिलिटीज बता दी आपको ठीक है फिर स्टार्ट एंगल एंड एंगल कलर थिकनेस लाइन टाइप एंड शिफ्ट आर कंप्लीटली क्लियर ठीक है ये चीज क्लियर हो चुकी है आर्क वगैरह कैसे बनना है वो भी क्लियर है पूरी अच्छा चलो मल्टीपल शेप्स एंड मल्टीपल कहानी वो अलग देखेंगे जो दो इमेज और मैंने ले रखी है उसके हिसाब से क्यों ली थी मैंने इमेज ठीक है चलो इसमें क्या करेंगे हम लोग हम एलिप्स बनाएंगे एंड इस तरीके से हैं। काम करते हैं ठीक है एलिप्स ठीक है एंड कुछ अप्रॉक्सीट वैल्यूज़ इसके निकलवा लेंगे ठीक है कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ही देख लेते हैं अब जब अप्रोसीमेट वैल्यूज़ भी कैसे मिल सकते हैं यार आपको तो अप्रॉक्सीट वैल्यूज़ भी आपको पेंट से तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ भी मिल जाएंगे क्योंकि ऐसे तो मुश्किल होगा गैस करना ओके okay, पहले तो मुझे इमेज ही बड़ी दिख रही है काफ़ी ज़्यादा कितने पिक्सल्स के यार ये ओके थ्री एट फोर जीरो तो पहले तो पिक्सल ही बहुत बड़े हैं तो इसको रिसाइज़ मानना पड़ेगा पहले तो ठीक है तो चलो करते हैं मैं डिफरेंट इमेज उठाता हूँ डिफरेंट एम ठीक है एंड इसको करेंगे पेस्ट यहाँ पे जो रीड कर रहे हैं उसका रिलेटिव पाथ पात्र से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दिस वुड बी न्यू इमेज ठीक है जेपीजी है और आईएमजी में ही आईएमजी को रिसाइज भी कर देंगे सो आई एम जीवल्स टू सी डॉट रिसाइज अच्छा ये चीजें अगर आपको क्लियर नहीं है भाई रिसाइज समझ में नहीं आ रहा है रीड कैसे कर रहा फाइल कैसे पास कर दी ये सब चीजें क्लियर नहीं है शो वेट की डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज क्लियर नहीं है बेसिक्स क्लियर नहीं है अगर आपको देन नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास टेंथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैटेगरी में जाइए सारी आइए ओके चलो आई एम जी पास किया फिर जीरो स्पेसिफाई किया एंड फिर हमने स्पेसिफाई कर दिया क्या एफ एंड एफ फिर हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया एफ एक्स एंड एफ वाई कम करेंगे एफ एक्स वुड बी जीरो पॉइंट थ्री फाइव एंड एफ वाई वुड बी वॉट जीरो पॉइंट थ्री बैक अगेन अंडरस्टुड एंड ओके सो रीड कर लिया रिसाइज कर लिया पहले जरा इसको कमेंट करके मैं देखना चाहूंगा कि इमेज मेरी सही दिख रही है नहीं दिख रही है ठीक है फिर बाद में लिप्स बनाएंगे ओके परफेक्टली ऑलराइट इमेज दिख रही है बढ़िया ठीक है सो जीरो पॉइंट थ्री फाइव ही चाहिए मुझे अब इसमें चेंजेस मारते हैं ज़रा ठीक है so, सो इसको थ्री एट फोर जीरो को जीरो पॉइंट थ्री फाइव से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ज़रा मैं ताकि मैं यहाँ पर भी चेंज मार लूँ मैंने क्या खोल दिया गलती से कुछ और खोल दिया मैंने ठीक है सो दिस वुड बी थ्री एट फोर जीरो इन टू जीरो पॉइंट थ्री फाइव एन दिस वन थ्री फोर फोर तो यहाँ पर डालते हैं वन थ्री फोर फो इमेज ये बन गई अब यहाँ पे मुझे एलिप्स बनाना है देखो एलिप्स बनाना है कैसा कुछ इस तरीके का एलिप्स बनाएंगे हम ठीक है बट इसको कर देंगे थोड़ा सा रोटेट रोटेट नहीं हो रहा यार ये वाह क्लासिक रोटेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यहाँ पे तो कूल पेंट में ऑप्शन ही नहीं है रोटेशन का चलो अपने कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही डालनी पड़ेगी कोई नहीं चलो यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ कुछ में, है ना और इसके चारों तरफ मैं लेके आऊँगा बेसिकली uh, क्या आपका दस एलप्स uh, 600.361, कॉमा थ्री सिक्सटी वन सिक्स हंड्रेड करना पड़ेगा बार बार रन करके सिक्स हंड्रेड कॉमा थ्री सिक्सटी वन सिक्स हंड्रेड कॉमा थ्री सिक्सटी वन ठीक है रन किया मैंने फाइन ट्यून तो करना पड़ेगा यार है ना मैंने गलती से इमेज ही रन कर दी है ओके न्यू आई एम जी कह इमेज रन कर दी है, मैंने गलती से सो so, न्यू आई एम जी रन करते हैं न्यू अंडरस्कोर आई एम जी अब चीज़ सही है है ना चलो थोड़ा सा साइज बड़ा करें इसका एलिप्स का थोड़ा साइज बड़ा करने की जरूरत है राइट right? तो इसको बढ़ा देते हैं टू नाइन्टी सिक्स से मतलब सॉरी हाइट बेसिक वर्थ बेसिकली सो दिस को कर लेते हैं फोर हंड्रेड एंड हाइट को कर लेते हैं यार दिस वन शुड बी टू वन नाइनटी सिक्स ना टू हंड्रेड टू फिफ्टी कर लेते हैं लेट्स सी ठीक है बढ़िया है साइज तो इसको कर लेते हैं रेड इन कलर लेट मी मेक इट रेड इन कलर और पहले तो ये फ़िल करना बंद करो यार तुम ट्वेंटी 20... कर लो सो साइज और इसको कर दो रेड कलर ब्लैक इज नॉट वर्किंग ऑट रेड कलर कर लो परफेक्टली ऑल राइट ठीक है अब मुझे इसको रोटेट करना पहले तो कम्प्लीटली फिल करो कर इसको करो थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है और इसको मैं रोटेट करता हूँ बाय सिक्सटी डिग्री ठीक है नहीं गलत रोटेशन हो रहा है ठीक है तो सिक्सटी के बाद आई वुड डू की यार सिक्सटी आ जाए ठीक है नाइन्टी आ जाए वन एट्टी आ जाए वन एट्टी के बाद रोटेट करना है ठीक है सो तो वन एट्टी के बाद क्या आ जाएगा रोटेशन यार वन एट्टी के बाद आ जाएगा नहीं सॉरी वन नाइन्टी वन एट्टी हाँ वन एट्टी के बाद रोटेशन करना पड़ेगा नाइन्टी सॉरी नाइन्टी ठीक है ओके वन एट्टी के बाद कर लेते हैं 240 डिग्रीस नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ यार मैं कुछ रुक जाओ रुक जाओ जाओ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं समझ में गड़बड़ कर दे रहा हूँ कुछ अच्छा मुझे तो एक्चुअली सॉरी सॉरी समझ गया मैं मुझे बस 120 के आसपास करना है रोटेशन इसमें दैट वुड बी फाइन मुझे चाहिए ना वो 120 में मिल जाएगा ठीक है लाइक दिस ठीक है थोड़ा सा और रोटेशन करके 150 कर लेते हैं ठीक है एंड इसका क्या करेंगे अब देखो ये हो चुका है वन डिग्री अब यहाँ से मुझे जो चाहिए क्या कि मेरा जो डिस्प्ले शुरू हो वो यहाँ से शुरू हो ठीक है एंड एक्चुअली थोड़ा ऊपर भी चाहिए मुझे तो इसको मुझे थोड़ा ऊपर भी करना पड़ेगा तो उसकी हाइट थोड़ी मुझे कम करनी पड़ेगी फिफ्टी तो करनी पड़ेगी यस टू फिफ्टी थोड़ी कम हो गई सेवेंटी फाइव ओके तो अब ये है और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हो ना डिस्प्ले शुरू हो वो हो कुछ वन ट्वेंटी के आसपास से शुरू तो जो डिस्प्ले शुरू हो वो भी वन ट्वेंटी के आसपास से शुरू हो ओके okay. तो इसने गड़बड़ करी तो ज़ीरो से ही शुरू करते हैं नहीं जीरो से नहीं माइनस थर्टी से कर लेते हैं माइनस थर्टी फाइन क्यों थोड़ा सा से ऐसा से करना पड़ेगा आपको यार है ना माइनस थर्टी नहीं ले रहा है नेगेटिव वैल्यूज ले नहीं रहा ओके सो यहाँ तो गड़बड़ हो रही है यार मेरी है ना ज़ीरो डिग्री से ही करते हैं तो एक्चुअली में ये चीज़ रोटेट होके स्टार्टिंग आ चुकी है यहाँ पे मैं स्टार्टिंग इसको यहाँ एज्यूम कर रहा था स्टार्टिंग मेरी आ चुकी है यहाँ पे ना बिकॉज मेरी स्टार्टिंग यहाँ पर है अगर इसमें मैं 180 एटी एड कर दूँगा तो मेरी स्टार्टिंग यहाँ पहुँच जाएगी तो 180 एटी प्लस वन कर लेता हूँ मैं ठीक है तो वन एट्टी प्लस वन फिफ्टी वुड बी थ्री तो इसको थ्री कर लेते हैं ठीक है मेरा तो मेरा इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा रोटेशन में रोटेशन वुड बी देयर ओनली बट अब मेरा जो स्टार्टिंग एंगल है वो मेरा सिक्सटी कह के काम चल जाएगा कि वो यहाँ से विजिबिलिटी शुरू होगी ठीक है देखा ना तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार विजिबिलिटी मेरी शुरू हो यहाँ से तो 120 से शुरू हो विजिबिलिटी मेरी सो आई एल मेक इट 120 120 से मेरी विजिबिलिटी शुरू हो ओके okay? थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है फाइन ट्यून मुझे से ठीक है सो इट वुड बी लाइक 120 एंड वन ट्वेंटी के बाद क्या करें वन ट्वेंटी के बाद स्पेसिफाई कर सकते हैं हम इसको वन um, ट्वेंटी के बाद तो वन फिफ्टी करके देख लेते हैं दैट वुड बी बेस्ट वन फिफ्टी वुड बी बेस्ट आई थिंक सो ये ज़्यादा आ जाएगा ज़्यादा आ गया तो वन ट्वेंटी फाइव है ना वन ट्वेंटी फाइव वोट अबाउट वन ट्वेंटी फाइव हाँ परफेक्टली ऑल राइट ठीक है एंड थ्री सिक्सटी के बाद इसका देखते हैं थ्री सिक्सटी आगे बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकता फोर हंड्रेड करें अगर तो क्या ये आगे बढ़ रहा है कुछ थ्री सिक्सटी से आगे बढ़ा देखो तो 400 की बात कर लेते हैं इसको 500 पूरा ही कर दिया इसमें 500 में तो ठीक है तो फाइव हंड्रेड की ठीक है या नाउ दिस इज परफेक्टली ऑल राइट तो मैं इसी तरीके से कुछ ऐसे सर्कल चाह रहा था और अब हम क्या कर सकते हैं तो यहां पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के आफ्टर ड्रॉइंग का रेक्टेंगुलर बॉक्स है हम ये लिख सकते हैं द फ्लैश तो इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो यहां पे एक बॉक्स बनाओ है ना इस तरीके से एक बॉक्स बना लो मैंने क्या कि एक, इसके चारों तरफ एक एलिप्स बनाया यहां एक बॉक्स बना सकता हूं मैं एंड इस बॉक्स में लिख सकता हूं एलिप्स तो बॉक्स बनाते तो, तो मैंने सीखा है कि बॉक्स कैसे बना सकते हैं बेसिकली ठीक है तो मुझे बस ये कॉर्डिनेट चाहिए कि ये कॉर्डिनेट क्या है इसकी हाइट मतलब एक्चुअली सॉरी ये भी कॉर्डिनेट नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ये कॉर्डिनेट चाहिए कि ये कॉर्डिनेट क्या है ठीक है दिस कॉर्डिनेट आई नीड तो एक्चुअली मैं यहाँ का कॉर्डिनेट चाहिए और मुझे बस एंड कॉर्डिनेट चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे दैट इज वॉट वी नीड है ना तो वो मैं फिर रेक्टेंगल इसके ऊपर बना सकता हूँ अभी हम मल्टीपल शेप देखते हैं कैसे बना सकते हैं द फ्लैश लिख सकता हूँ देट वुड लुक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कहानी कर सकते हैंट आई वॉज ट्राइंग टू शो यू ठीक है तो थोड़ा सा फाइन ट्यून आपको करके यहाँ पे कहानी करनी पड़ेगी एंगल का थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें क्लियर रहनी चाहिए ओके इसके बाद जैसे आपने ये एलिप्स पे बनाया ना मतलब यहाँ फ्लैश पे बनाया सॉरी ठीक है आप यहाँ वंडर वोमन पर बनाओ ठीक है जस्ट यूज दिस वंडर वन वाला पार्ट तो अब यहां पर क्या करो यहां वंडर वोमेन इस तरीके से अंदर डाल दो ठीक है सो दैट यू कैन डू तो वोमेन ओपन करके दिखाता हूँ आपको है ना चलो तो इसको करता हूँ कमेंट आउट लेकिन यहां पर भी आपको फाइन ट्यून इन सेंस वी रिलेटिव बात करता हूँ वंडर वार दूंगा पेस्ट ठीक है वेबरेप ओपन हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है एंड इमेज का जरा साइज देख लेते हैं यार साइज में क्या प्रॉब्लम तो नहीं आएगी हमें लेट मी जस्ट चेक दैट ओके वन वन ऑल टेंट सो द डिटेल्स में जाएंगे तो थर्टीन थर्टी एन टू थाउजेंड प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी सी पॉइंट फाइव कर लेते हैं इसको लेट मी स्पेसिफाई पॉइंट फाइव एंड सेंटर वगैरह भी हम स्पेसिफाई करते हैं ठीक है पहले तो जरा इसका डिस्प्ले देख लेते हैं इज दिस फाइन और नॉट ठीक है पहले तो इसका डिस्प्ले देख लेते हैं क्या ये चीज़ दिख भी रही है ढंग से नहीं दिख रही ठीक है ठीके? तो दिस इज़ वॉट दिस इज फाइन बट ये क्या हुआ ही? तो गड़बड़ हो गई ना? है ना इसमें क्या प्रॉब्लम आई यार ओके जीरो पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस ओके बिकॉज ऑफ दैट है अब भी कुछ प्रॉब्लम कर दिया यार हमने शायद रुक जाओ लेट मी सी जीरो पॉइंट फाइव एंड जीरो पॉइंट फाइव करना है ना अपने को एफ एक्स एन एफ सही तो करना है पिन? और इमेज ये थोड़ी इमेज तो अलग है ओके यही तो इमेज यार इमेज मैं गलत, सही तो ओपन कर रहा हूँ इमेज गलत देख रहा था मैं चलो ठीक है दैट इज परफेक्टली फाइन थोड़ा सा बस नीचे का पार्ट इज नॉट इज अ प्रॉब्लम तो एक काम करते हैं इसको फाइन ट्यून पेंट में करते हैं ठीक है सो लेट मी जस्ट डू दैट सो मैं इमेज को इसी को यार पेंट में खुल अच्छा वेब वेबरेप इमेज पेंट में खुल जाती है ना पेंट में वेब वेबरेप इमेज खुल जाएगी वेब को इमेज खोल ली मैंने अब मुझे ये एक्चुअली मेरे ये डिस्प्ले हो रहा है पता है मुझे ये डिस्प्ले हो रहा है थोड़ा सा मुझे ये लोगों वो डिस्प्ले नहीं हो रहा तो वो जरा कर लेते हैं ठीक है सो लेट मी जस्ट रीसाइज इट ठीक है और मैं एक्चुअली करता क्या हूँ इसको बंद करता हूँ नहीं नहीं वेब्रिप नहीं ओपन करनी मुझे मुझे ओपन करना है इसको पेंट में ठीक है सो अब मैं इसका क्या ऐसा साइज रखूँ कि ये मुझे सब चीज़ें देखने लग जाए तो वन थ्री थ्री वन थ्री थ्री इन टू पॉइंट फाइव एज 0.5 अच्छा पॉइंट फाइव सही भी नहीं है पता वन थ्री थ्री इंटू पॉइंट थ्री फाइव सही नहीं है चलो ठीक है बट फॉट फिफ्टी कर लेते हैं काम करते हैं मड बहुत छोटा हो जाएगा वन थ्री थ्री या टू थाउजेंड करें टू थाउजेंड इंटू पॉइंट फाइव वन थाउजेंड हो जाएगा ना वर्टिकली ओके okay, इस ये इस वजह से हो रहा है ऐसा दिख रहा है ये नीचे से कट हो जा रही है ठीक है थोड़ी सी और छोटी करनी पड़ेगी इसे तो इसमें मैं टू थाउजेंड में और क्या मल्टीप्लाई कर दूँ ठीक है टू थाउजेंड में पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करने का पॉइंट फोर टू थाउजेंड इंटू पॉइंट फोर एट हंड्रेड कर लेते हैं ओके okay, 800 इज परफेक्टली फाइन तो 0.4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे तो इमेज परफेक्टली विजिबल होगी ठीक है नाउ दिस इज परफेक्टली विजिबल ठीक है ऑल द दिस इज नॉट फ्लैश दिस इज द दिस इज वंडर वुमन वंडर वुमन ओके चलो अब जरा एलिप्स बनाते हैं इसके चारों तरफ तो एलिप्स कैसे बनाना है हमें तो अब जैसे आपकी एमएच ऊपर तो चल गई अब इसका सेंटर निकाल लो यार ठीक है वाट इज़ द सेंटर ओके एक चीज़ और कि मैंने शायद उसको एक ही जगह चेंज मारा दूसरी जगह चेंज नहीं मारा इसलिए वो इमेज थोड़ी सी ब्रॉड दिख रही थी अब परफेक्टली ऑल राइट है ना सब दिख भी रहा है एंड बढ़िया है ओके okay. ना मुझे इसके चारों तरफ एलिप्स बनाना है तो एक काम करते हैं आप ऐसा एलिप्स बना सकते हो ठीक है लुक गुड ठीक है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ अप्रोक्सीमेटली निकाल लो यार यहाँ से कुछ अप्रोक्सीमेटली यह सेंटर का कोऑर्डिनेट रहेगा दिस इज 276.347, 276.347. So this फोर्टी सेवन टू 276.347. सिक्स थ्री फोर्टी सेवन टू सिक्स कॉमा थ्री फोर्टी सेवन ठीक है देन एक्सेस वुड बी वट टू सेवनटी सिक्स थ्री फोर्टी सेवन था ना टू सेवेंटी फाइव मान लो एंड टू सेवेंटी फाइव माइनस वन 275 फाइव टू सेवेंटी फाइव माइनस वन फोर्टी फाइव टू सेवेंटी फाइव माइनस वन फोर्टी फाइव वन थर्टी आ गया तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से ये वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो आप कितना आया था वन थर्टी ठीक है एंड uh, वो क्या आएगा इसका ये देख लेते हैं सो दिस वाज सेवेंटी सिक्स का मैं वन फोर्टी फाइव थ्री क्या थी वैसे वैल्यूज़ देख लेते हैं जस्ट लेट मी सी द वैल्यूज़ सो दिस व्री फोर्टी सेवन है ना थ्री फोर्टी सेवन इट वॉज थ्री फोर्टी सेवन कुछ यहाँ आ जाएगा और ये क्या है थ्री फोर्टी सेवन माइनस वन फोर्टी थ्री फोर्टी सेवन माइनस वन फोर्टी थ्री फोर्टी सेवन माइनस वन फोर्टी वी टू जीरो सेवन सो लेट स्पेसिफाई टू जीरो सेवन है यार टू ज़ीरो सेवन एंगल कितना रोटेशन दे दें यार कुछ देने की जरूरत नहीं, नहीं क्योंकि हमने वो दे दिया पूरा है ना स्टार्ट एंगल जीरो एंड एंगल थ्री सिक्सटी ठीक है कलर इज 0,0,255 रेड आ गया थिकनेस इज 20 लेट मी जस्ट ड्रॉ इट सो दिस इज योर वंडर वुमन विद रेड कलर ठीक है तो इस तरीके से यू कैन डू सो दैट इज दीज़ थिंग्स आर पॉसिबल ओके आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड ये न्यू इमेज को प्रिंट करना था इमेज क्यों प्रिंट कर दो ठीक है दिस वाज मैच नहीं न्यू मैच ठीक है चलो नेक्स्ट इज व्हाट आफ्टर दिस ये डिफरेंट इमेजेस देख लिया आपने है ना दिस इज डन करता हूँ। अब फटाफट फ़ड़ जो एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, विच इज ये उस पर चलते हैं ठीक है ठीक है numpy array कैसे बनाए तो इंपोर्ट कर ले पहले इंपोर्ट numpy तो यू कैन इम्पोर्ट नम पाई आई एम जी बना लीजिए आई एम जी इज इक्वल टू एन पी डॉट जीरो एनपी के तरीके से नहीं किया था बस ये प्रॉब्लम थी इसमें डाल दूंगा यार मैं बेसिकली वॉट सेवन हंड्रेड कॉमा सेवन हंड्रेड कॉमा थ्री यहां डाल देंगे एन पी डॉट यू एट डाल दिया अब हम इसमें डालेंगे पहले तो सिंगल शेप एलिप्स बनाएंगे तो हम बनाएंगे आई एम जी में ही चेंज करेंगे आई एम जी इज इक्वल्स टू सी वी टू डॉट एलिप्स ओके मैट्रिक्स आ जाएगा आई एम जी है ना फिर आ जाएगा सेंटर तो सेवन फिफ्टी का हाफ कितना हुआ यार सेवन फिफ्टी का हाफ वुड बी थ्री फिफ्टी सो दिस वुड बी थ्री फिफ्टी कॉमा थ्री फिफ्टी ठीक है फिर एक्सेस के डाल दें यार एक्सेस की लेंथ इनिशियली डाल देते हैं 350 है ना सेंटर है तो 200 में डाल देता हूँ ये ठीक है तो टू हंड्रेड ठीक है एंड नेक्स्ट इज एंगल जीरो डिग्री एंगल आ गया स्टार्ट एंगल वुड बी जीरो देन थ्री सिक्सटी डिग्री वुड बी एंड एंगल कलर वुड बी रेड विच इज जीरो कॉमा जीरो थिकनेस वुड बी टेन अब आप इस चीज़ के माहिर हो चुके हैं ठीक है तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सी वी टू डॉट आई एम श्यो है ना इमेज डाल देते हैं आई एम जी डाल देते हैं सी वी टू डॉट वेट की डाल देते हैं सी वी टू डॉट डिस डिस्ट्रॉय ऑल वन डोज डाल देते हैं लेट मी रॉन इट सी एलेप्स बन गया परफेक्टली ऑल राइट एलेब्स इसको फिल कर देंगे मल्टीपल इमेजेस बनाते चलिए मल्टीपल इमेजेस में एक स्टार्टिंग खतरनाक चीज दिखाते हैं आपको इज मल्टीपल शेप सॉरी मल्टीपल क्योंकि काफ़ी सारे सीख चुके हैं ना आप मल्टीपल शेप्स देख सकते हैं हम तो मल्टीपल शेप्स में क्या करूँगा मैं सबसे पहले तो इसको कंप्लीटली फिल करूंगा ठीक है माइनस वन करके फिर इसके ऊपर बनाएंगे हम एक सर्कल सो आई एम जी इज इक्वल्स टू सी वी टू डॉट सर्कल ठीक है एंड पैरामीटर्स आई जाएगा इसमें है ना पैरामीटर्स कुछ सेम से ही रहने वाले हैं नेक्स्ट वुड बी सेंटर तो सेंटर वुड बी 350 फिफ्टी कॉमर थ्री ओनली कॉपी किया पेस्ट मार दिया ठीक है देन वो रेडियस वुड बी वट रेडियस वुड बी वन से थोड़ा सा नीचे विच इज वन वुड बी ग्रेट देन इट वुड बी द कलर कलर वुड भी जीरो कम जीरो कम येलो कलर डालना है ना येलो कलर में ढूंढना पड़ेगा गूगल पे जाके ऑनलाइन कलर पिका चाहिए हमें ठीक है येल्लोइ कलर चाहिए हमें तो ये उसका आर कोड है दिस इज येलो इन कलर तो क्या वैल्यू आएगी यहां पे देखते हैं दिस वुड बी व्हाट अच्छा यहां कलर में करना ना देखते हैं 14 कॉमा टू फिफ्टी फोर्टीन कॉमा फोर्टी सेवन कॉमा टू फोर टू इज द कलर थिकनेस ये भी कंप्लीटली फिल कर देंगे माइनस वन से लेट्स सी हाउ इट विल लुक सो इट विल इट विल लुक लाइक दिस और यहां पे बनाते हैं अपन फिर एक और रेक्टेंगल ठीक है लेट्स ड्रॉ लेट्स ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ ग्रीन कलर ठीक है सो इसमें आई एम जी इज इक्वल टू सी बी टू डॉट रेक्टेंगल नहीं रेक्टेंगल ठीक है मैट्रिक्स में आई एम जी डाल दो यार ठीक है फिर पी टी वन क्या हो जाएगा यार आपका पीटी वन बी देखो सेंटर इज थ्री फिफ्टी कॉमा ओके okay, एक सेकेंड ओके सेंटर इज वर्ड थ्री फिफ्टी कम थ्री फिफ्टी और हंड्रेड जो है इसका रेडियस है तो थ्री फिफ्टी में से हंड्रेड माइनस करेंगे सो टू फिफ्टी आएगा ठीक है सो टू फिफ्टी से आगे लेना पड़ेगा हमें थोड़ा सा तो इसको ले लेते हैं टू हंड्रेड है ना सो so इसको ले लेते हैं टू हंड्रेड कम टू हंड्रेड ठीक है एंड ये स्टार्टिंग हो गई एंडिंग क्या जाएगी तो हंड्रेड थ्री फिफ्टी में हंड्रेड ऐड करेंगे फोर फिफ्टी हो जाएगा ठीक है सो फोर फिफ्टी तो फोर हंड्रेड कॉमा फोर हंड्रेड लेते हैं फोर हंड्रेड कॉमा फोर हंड्रेड ठीक है एंड कलर वुड बी ग्रीन ग्रीन निकालते हैं ग्रीन हेयर दिस इज फॉर ग्रीन दिस इज फॉर ग्रीन

अच्छा पहले ये देखते हैं कि ये थ्री फिफ्टी का थ्री फिफ्टी है ना देखो दिस इज़ थ्री फिफ्टी का थ्री फिफ्टी और इसको हटा दें फिलहाल नो हमने थिकनेस में गड़बड़ करी है ना कॉर्डिनेट्स में गड़बड़ करी दिस इज थ्री फिफ्टी का थ्री फिफ्टी रेडियस इज हंड्रेड तो ये हंड्रेड है है ना थ्री फिफ्टी में से हंड्रेड माइनस करोगे इट वुड बी टू फिफ्टी तो टू फिफ्टी से आगे चाहिए हमें तो टू फिफ्टी से आगे कितना टू फिफ्टी से थ्री हंड्रेड है। तो लेते हैं ठीक है तो इसको थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड लेते हैं थ्री हंड्रेड कॉमा सॉरी हंड्रेड कॉमा थ्री हंड्रेड और ये चार सौ कॉमा चार सौ फाइन यस अब परफेक्ट ठीक है सो इस तरीके से रेड एलिप्स के अंदर येलो सर्कल के अंदर ग्रीन रेक्टेंगल के अंदर आप एक लाइन बना सकते हो इफ यू वांट, है ना इन क्रॉस बना सकते हो अंदर इफ यू वांट तो वो भी बना देते हैं सीवी टू डॉट लाइन आई एम जी इज इक्वल टू सी वी टू डॉट लाइन ठीक है लाइन में सबसे पहले जाएगा आई एम जी कोऑर्डिनेट्स की कुछ हमें प्रॉब्लम होगी नहीं ये हमारे रेक्टेंगल वाले डालेंगे ठीक और ये आ जाएगा जीरो कॉमन जीरो जीरो ब्लैक कलर डालते हैं जीरो और नेक्स्ट क्या है बस थिकनेस थिकनेस डाल देंगे ना अपन थोड़ी सी टू मतलब कॉपी वुड बी एरोड लाइन ठीक है दिस बी एरोड लाइन आईएमजी से पास करेगा बट थ्री हंड्रेड कॉमर से ना पास करके एक्स थ्री हंड्रेड रहेगा वाई फोर हंड्रेड रहेगा एंड ये फोर हंड्रेड कम फोर हंड्रेड के बजाय एक्स फोर हंड्रेड रहेगा एंड ये वाई थ्री हंड्रेड रहेगा ठीक है एंड द सेम कलर सेम वो लाइक दिस दिस इज लुकिंग कूल इज एंटेड तो इस तरीके से आप ये कहानी कर सकते हो है ना इफ़ यू वॉन्ट आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो ठीक है सर्कल के चारों तरफ एक येलो ब्लैक ब्लैक आउटलाइन बना दो अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो यू कैन डू दैट ठीक है सो दिस इज वॉट यू कैन डू अंडरस्टूड सो दिस इज बेसिकली मल्टीपल शेप्स एंड मल्टीपल शेप्स आप इस तरीके से देख सकते हो नॉट जस्ट प्ले विद शेप्स अलग अलग शेप्स बनाइए ग्राफिकली आप इस तरीके से शेप्स बना सकते हैं अलग अलग इफ यू वॉन्ट ओके सो दिस वॉज एलिप्स फ्रॉम माई साइड मल्टीपल शेप्स भी देख लिया ठीक है अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फॉर नाउ इसको सेव करता हूँ ठीक है इसको सेव करके इसको बंद कर देंगे ठीक है एंड इसको भी बंद कर देंगे सो दिस वॉज एलिप्स फ्रॉम माई साइड है ना जिसमें हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली सारे सेंटिक्स पूरा प्रॉपर समझ लिया सब चीज़ें देख ली और जो ओवरलोडेड फंक्शन है वो अभी हम नहीं सीख सकते क्योंकि चीज हमने पढ़ नहीं रखी है कुछ तो ठीक है जब सीख लेंगे तब सीखेंगे उस चीज को ठीक है फॉर नाउ इसको करते हैं हैं रैप चलते अपनी स्लाइड्स पे वीडियो करते हैं कंप्लीट ठीक है चलिए ओके गाइस सो आई होप आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एलिप्स बना सकते हो सो एलिप्स कंस्ट्रक्शन इज डन तो ये शेप भी क्लियर हो गई आई नो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी काफी सारी पॉसिबिलिटीज थी बट ठीक है फील गुड आफ्टर दिस अकम्पलिशमेंट अगर आपको ये समझ में आ गया आपने बनाना सीख लिया है तो काफी जगह आप इसको बना सकते हो काफी ज्यादा इसकी यूज केसेस है अब आगे जाके हम और चीजें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे वेट करिएगा और चीजें सीखने के लिए फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई 100 परसेंट फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन सो मैग्नेट ब्रेन एक लगाता है प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर करा हंड्रेड परसेंट फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एडिकेटर्ट ऑफ इंडिया इन टॉप ऑफ दिससेस इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एन टी एस सी ओलम्पिया सी स्पोन इंग्लिश सीबीएसई हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड ये हमारे टॉप कोर्स है जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन तीन प्लेटफॉर्म पे विच इज सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन गो एंड सब्सक्राइब दैट फिर हमारा एप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं नाम मैग्नेट मैग्नेस है फिर है

ए टू जेड कंप्लीटली अवेलेबल है तो बिना किसी फिक्र के कि यहाँ पे चीज आ सीख सकते हैं बाकी मैग्नेट ब्रेन की बुक्स एंड बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंट एंड जस्ट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड टेलीग्राम ताकि को भी नया कोर्स है कोई भी नई वीडियो है तो तुरंत आपको पता चल जाए और गैस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो अच्छी लग रही है प्ले लिस्ट पंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स मिल पुरे हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन के साथ जुड़े रही है बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किड गार्डन